परमानंदपुरी, ये कृष्णा लीला में कौन है? कहते श्री, कभी कभी तो आता है उद्धव और कभी कभी आता है अर्जुन, कभी कभी जैसे यहाँ पर कहते जैसे कृष्णा जैसे अर्जुन को साथ में जैसे उनको मित्रता है, जैसे उनको श्री उद्धव जी को साथ में मित्रता है, ऐसे ही श्री परमानंद पुरी को साथ में भी इनकी ऐसे ही संबंध है। इसलिए कहते श्री उद्धव जी कहते महा कृष्ण का कितना प्यारे हैं, जिसके लिए भागवत में कहते हैं कृष्ण नाम प्रवर मंत्री कृष्ण स दैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सतम। कहते उद्धव जी कौन है? उनका नाम ही उद्धव। उद्धव का मतलब क्या है? बोले उद्गत तम, जिनसे संपूर्ण तम निकल गया, जो विशुद्ध सत्व है, पूर्ण निर्मल है, है? ये कौन है उद्धव जी? बोले कृष्ण नाम प्रवर मंत्री। कहते ये कृष्ण का मंत्री है और कृष्ण प्रवर मत कृष्णस्य दैत सखा, कृष्ण का अत्यंत अत्यंत प्रिय और उनकी सखा है। कहते उद्धव जी इतने बड़े विद्वान थे जिनको पढ़ने के लिए स्वर्ग जाना पड़ा, जिनको बृहस्पति को ही उन्होंने अपना गुरु बनाया और कृष्ण ये उद्धव जी को ही उन्होंने ब्रज में भेजा है। जब उन्होंने देखा ये ब्रजवासियों को सांत्वना कैसे दूं और इनको सांत्वना कौन दे सकता है, इसलिए कृष्ण देखा है यहाँ पर केवल एक व्यक्ति यहाँ पर श्री उद्धव है, जो कि गोपियों का प्रेम को तो पूर्ण रूप में वो समझ नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ये अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए कृष्ण श्री उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं। और दूसरा कारण है, कृष्ण चाह रहे हैं ये ब्रजवासियों का जो प्रेम को सर्वत्र प्रकाश करने के लिए। अभी कृष्ण सोचे अगर जैसे तैसे व्यक्ति को भेजूं, हैं? अगर गोपियों की महात्मा को देखे अगर बोले ना लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे एक व्यक्ति को भेजा जाए जिसको भेजने पर अगर वो कोई बात को बताए तो लोग बोलेंगे भैया इसकी बात में कुछ दम है, इसके बात में कुछ दम है। इसलिए कृष्ण सोच रहे भैया किसको भेजे? बोले श्री उद्धव जी को भेजे। बोले क्यों? बोले ये ज्ञानी में अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य, और कृष्ण का भक्तों में जो पांच तरह का भक्त है, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर, उद्धव जी कृष्ण के ये प्रेमातुर भक्त, ये सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। इसलिए कृष्ण ये उद्धव जी को ब्रज में भेज करके तो उन्होंने गोपियों की महिमा को सर्वत्र उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसलिए कहते वही उद्धव ही जब कृष्ण महाप्रभु का रूप में आए, श्री उद्धव जी श्री किस रूप में आते हैं? श्री परमानंदपुरी रूप में आए। बोले श्री परमानंदपुरी की, ये परमानंदपुरी रूप में आए हैं। इसलिए कहते ये परमानंदपुरी इनका गुरुदेव कौन है? श्री माधवेंद्रपुरी। और महाप्रभु कौन है? माधवेंद्रपुरी का शिष्य कौन है? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी का शिष्य कौन है? महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए परमानंदपुरी इनका क्या लगते हैं? परम गुरुदेव लगते हैं, गुरु जी की गुरु जी परम गुरुदेव इनकी लगते हैं। इसलिए इनको साथ में हर समय ये गौरव बुद्धि चाचा गुरु ईश्वरपुरी गुरु भाई तो कौन गुरु? माधवेंद्रपुरी परमानंद। अरे बोल रहे महाप्रभु को साथ में क्या लगता है? गुरु जी की गुरु जी गुरु जी की गुरु जी की गुरु जी की गुरु भाई चाचा गुरु लगते हैं। इसलिए इनको साथ में इनकी बड़ी मित्रता है। इसलिए जब से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में इनको साथ में उनका साक्षात्कार हुई और महाप्रभु को साथ में बड़ी उनको हरि कथा आपस में बड़ी हरि चर्चा हुई। महाप्रभु बोले देखो तुम आ जाना जगन्नाथपुरी में,
मैं जगन्नाथपुरी में ही मिलूंगा और हम दोनों वहीं पर बैठ करके आपस आपस में हरि कथा हम चर्चा करेंगे। इसलिए श्री परमानंदपुरी महाप्रभु बोलने पर कि श्री परमानंदपुरी श्री पुरी में आए, पुरी में आए, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उनको यहीं पर उन्होंने स्थान दिए, बोले तुम यहीं पर तुम रहो, यहीं पर इनका निवास स्थल थी। और यहीं पर जब निवास स्थल थी और यहाँ पर ये कूप था, लेकिन यहाँ पर भक्त लोग भी आते थे, लेकिन कूप का जो पानी एकदम गंदा, एकदम मिट्टी 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 पानी, ये पानी को कोई व्यवहार नहीं कर पाते थे। महाप्रभु सब जानते हैं। एक दिन से चैतन्य महाप्रभु आए और आ करके बोले ये पानी इतना मिट्टी क्यों, बोले पता नहीं ये माटी पानी बहुत मिट्टी है, ये पानी को हम व्यवहार नहीं कर पाते। तो महाप्रभु ने कहा देखो ये जो पानी है ना वो अत्यंत पवित्र है, लेकिन साधारण जो लोग हैं साधारण लोग ये पानी को व्यवहार नहीं कर पाए, इसलिए कृष्ण इच्छा से ही ये पानी इतना मिट्टी 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 पानी है। इतने में श्री महाप्रभु स्वयं श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, हे जगन्नाथ जी आप कृपा करके ये पानी को आप पवित्र बना दो। उन्होंने महाप्रभु स्वयं प्रार्थना की और आप लोग श्रवण कर रहे थे गंगा तीन गंगा है, गंगा कितने तीन गंगा है, एक स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, एक ये मर्त्य जगत में जिसका नाम भागीरथी, और एक है पाताल में उसका नाम भोगवती। कहती ये तीन गंगा है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भोगवती गंगा को आदेश दिए, बोले गंगा तो ये कुएं को अंदर में तो स्वयं प्रवेश करोगे कुएं को अंदर में, क्योंकि गंगा कौन है, भगवान की चरणामृत, भगवान की दासी है। अगर भगवान अगर गंगा का आदेश दे फिर गंगा प्रकट नहीं हो जाएगी, इसलिए एकदम गंगा प्रकट हो गई। जब भक्त लोग दूसरे दिन आए देखा पानी एकदम निर्मल, पानी एकदम निर्मल, पानी पवित्र पानी, फिर भक्त लोग देख करके बोले श्री गंगा देवी की जय। इतने में श्री महाप्रभु के पास में खबर पहुंचा दिया, बोले महाप्रभु ये पानी एकदम निर्मल हो गया है। महाप्रभु भी आए और जितने भक्त लोग थे ना मृदंग करता लेकर के और ये कुओं का परिक्रमा की सबके से भक्त लोग ने, क्यों ये माँ साक्षात गंगा इसमें प्रकट हो गई। महाप्रभु ने हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी महाप्रभु अपना मुखार बिंद से जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया मैं उसको पढ़ रहा हूँ। एखाने जब तो बांगाली भक्त आछे तरह सब बांग्ला भाषा बुझते बारे में, बांग्ला बुझे का हिंदी बुझे बांग्ला देखो एखाने महाप्रभु तिनी निजे तिनी बोलछेन की बोलछेन, प्रभु बोले सुनह सकल भक्तगण ए कुपेर जल जे करिबे स्नान पान। महाप्रभु कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कहते भक्त लोग तुम लोग श्रवण करो, बोले क्या श्रवण करो, अगर ये कुएं का जल को मैं कोई स्नान करे और कोई आचमन ले कोई पान करे कि अबे बोले सत्य सत्य है बेतार गंगा स्नान फल। एखान पे गंगा गले कत पैसा लागबे, अनेक पैसा लागबे ना गंगा स्नान करते गले हैं, बोले यदि यही जल ते केउ स्नान करे यदि केउ पान करे। महाप्रभु बोलछेन तिनी की कर की पाबेन, तिनी निश्चिंत रूपे तिनी गंगा स्नान रे फल तिनी प्राप्त करिबेन। बोले गंगा महारानी की जय, बस सचिनंदन गौर हरि की जय। बोले कृष्ण भक्ति है वेतार परम निर्मल। महाप्रभु बोलछेन, महाप्रभु कह रहे क्या होगा, कृष्ण भक्ति है वेतार परम निर्मल। ये गंगा पानी को अगर कोई आचमन करे एक तो गंगा स्नान करने का फल मिलेगा, दूसरा क्या फल मिलेगा कि तो उसको कृष्ण भक्ति है वे तार परम निर्मल, उसको शुद्ध कृष्ण भक्ति उनको प्राप्त होगा, शुद्ध कृष्ण भक्ति उनको मिलेगी। और प्रभु बोले आमी जे आछे पृथ्वी ते चानिया केवल पुरी गोसाई रे प्रीते।
महाप्रभु बोल रहे जगत में मैं जो निवास कर रहा हूँ, बोले क्यों? केवल ये परमानंदपुरी की प्रीति के लिए ही निवास कर रहा हूँ है। इसलिए पुरी गोसाई रो आमी नाही को अन्यथा, पुरी गोसाई रो आमी नाही को अन्यथा, पुरी बेचले वो आमी बिकाई सर्वथा। महाप्रभु बोल रहे हैं अगर ये परमानंदपुरी अगर हमें कोई बेच देना, मैं बिक जाऊंगा। अगर ये मेरे कहीं बेच दे तो लोक हित लागी तुम्हार सब व्यवहार, आमी सब ना जानी गंभीर हृदय तुम्हार। सन्यासी रा मध्य ईश्वर रा प्रिय पात्र, आर नाई एक पुरी गोसाई जे मात्र। कहते महाप्रभु का समय में 9 सन्यासी ना, कितने सन्यासी थे यहाँ पर कह रहे। जो परमानंदपुरी जो सन्यासी है, कहते सारे सन्यासियों में जो सबसे जो महाप्रभु का प्रिय कौन है? श्री परमानंदपुरी। क्यों? ये उद्धव और अर्जुन है, उद्धव और अर्जुन है। इसे दामोदर स्वरूप परमानंदपुरी सन्यासी पार्षद एई दुई अधिकारी, एक स्वरूप दामोदर स्वरूप और परमानंदपुरी। निरवधि निकटे थाके ने दुई जने, प्रभुर सन्यासी करे दंडरे ग्रहणे। महाप्रभु का साथ में रहते थे और महाप्रभु का जो दंड है, ये दंड को ये दोनों ग्रहण करते थे। पूरी ध्यान पर दामोदर कीर्तन, न्यासी रूपे न्यासी देहे बाहु दुई जन। ये यहाँ पर कह रहे हैं पूरी ध्यान पर और दामोदर कीर्तन। कहते श्री स्वरूप दामोदर, दामोदर स्वरूप उनका कीर्तन और श्री पूरी गोस्वामी का ध्यान पर। क्या ध्यान पर? न्यासी रूपे नाही देह दुई बाहु जन। इसलिए कहते ये जो दो सन्यासी है, कहते ये चैतन्य महाप्रभु का दो बाहु है, ये कहते महाप्रभु का दो हाथ हैं। इसलिए ये जो स्थली में परमानंदपुरी का स्थान है और यहाँ पर महाप्रभु अपना परिकरों को साथ में यहीं पर आए और यहाँ परिक्रमा लगाए, इसलिए ये जो स्थली है महाप्रभु परिकरों का, ये चरण धूलि को द्वारा ये अभिषिक्त स्थली है। इसलिए हम सबके सब यहाँ पर प्रणाम करें और मैं सोचता हूँ अभी